हरे कृष्ण, वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर दिस सेकेंड सेशन ऑफ भगवद गीता कोर्स इन एप्लीकेशन. सो इट्स अमेजिंग जर्नी वी हैव स्टार्टेड एंड देन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम सेकेंड चैप्टर वर्स नंबर 13. आई विल टेक एवरी डे वन वर्स. सो बिफोर वी बिगन लेट अस प्रे एंड हैव ए स्मॉल प्रेयर. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नाम्नि. नमस्ते सरस्वतीदेवि गौरवाणी च निर्विशेषशून्यवादिपाश्चात्यस्थाने. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्त. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. सो टुडे द श्लोका विच विल डिस्कस एज विल टेक वन श्लोका एवरी डे एंड बेस्ड ऑन दैट वन प्रोस्पेक्टिव विल डिस्कस. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग भगवद्गीता सेकेंड चैप्टर वर्स नंबर 13. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते. सो द ट्रांसलेशन गोज लाइक दिस. एज द एम्बॉडीड सोल कंटिन्यूअसली पासेस इन दिस बॉडी फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज, द सोल सिमिलरली पासेज इन टू अनदर बॉडी एट डेथ. ए सोबर पर्सन इज नॉट बिविल्डर्ड बाय सच ए चेंज. देहिनो अस्मिन् यथा देहे, इन साइड द body, that stage. What that stage? That is there is talking about the soul. Okay, so the understanding is this is the first and the most fundamental understanding of the spiritual journey. Actually, and Krishna also starts discussing this, the concept of soul, our real identity. So as we have discussed in the last session, the first session, that Arjuna is confused about his identity actually, na? That like in which hole he belongs, whether he belongs to Kshatriya hole or the family of Kshatriyas, or he belongs to Kuru dynasty, because his Kul Dharma is saying that, you know, he should not kill his elders, and Kshatriya Dharma is saying that because your elders are the aggressors, as a Kshatriya you should kill them. Na? So we see here that he gets confused. So he has two identities, na, which are active now, and these two identities are basically contradicting his actions, like he is confused. So now Krishna starts the understanding, he gives the first understanding that you don't just belong to these two holes. You belong to a biggest whole, the eternal whole, that you are not this particular body, which you think that I belong to this Kshatriya community or I belong to the Kuru dynasty especially. So these are all temporary designations. Okay? So Krishna wants to take him out of that zone, out of those two small holes, and want to put in big hole. And this is the starting of that, that you are actually the soul. And is eternal and is not going to die. So as we grow from boyhood to youth to old age, similarly this soul also changes the body, like that. So we our own body changes a lot. अगर आपको हम आपके जब आप 6 महीने के हैं उस समय का अगर हम आपको फोटो दिखाते हैं, है ना, आप पहली बार वो फोटो देख रहे हैं, तो जब तक आपकी माँ या कोई भी ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं बताता है कि ये आप ही हो, मतलब वहाँ पे गए थे तुमको लेके तो तुम्हारा फोटो खींचे थे, तब तक हमको हम खुद पहचान नहीं पाते एक्चुअली. वी कैन सी दैट ना, बट हमको पता है एक्चुअली. हम अगर 5 साल पहले का अपना फोटो देखें और अभी देखें तो थोड़ा अंतर है ना, बट हम पहचानते हैं कि यही व्यक्ति हमें, हम चेंज को भी जान रहे हैं, बट हम ये जान रहे हैं कि हम अलग नहीं हैं. I'm the same person. So who is that same person actually? So that's the actual identity which Krishna is talking here. So this discussion will go and we'll talk in 3 parts actually.
फर्स्ट विल डिस्कस व्हाई देर इज नीड ना फॉर स्पिरिचुअलिटी और हैविंग दिस अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर आइडेंटिटी एज अ सोल द एक्चुअल आइडेंटिटी एंड देन विल डिस्कस दैट सम रीजन्स फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्टिकुलर आइडेंटिटी एंड लिविंग अकॉर्डिंग टू दैट एंड देन विल सी द रिजल्ट ऑल्सो दैट इफ वी लिव बाई दिस आइडेंटिटी वॉट आर द रिजल्ट्स ओके सो दिस इज आवर डिस्कशन विल मूव फॉरवर्ड ऑन दिस थ्री टर्म्स सो स्टार्ट विथ द नीड फॉर स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली सो एज आई एम टॉकिंग अबाउट द आइडेंटिटी इन विच होल वी बिलोंग सो वी बिलोंग एज वी डिस्कस इन द लास्ट सेशन दैट वी बिलोंग टू डिफरेंट डिफरेंट होल्स ना समटाइम लाइक आई वी डिस्कस दैट वी कैन आइडेंटिफाई आवर सेल्फ एज ए मेल पर्सन करेक्ट ना आई एम मेल और फीमेल और वी कैन आइडेंटिफाई दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिस पार्टिकुलर ना कोर्स कि नहीं मैं इस जगह पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ या फिर ना मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हूँ तो हमारा कुछ आइडेंटिटी होता है जैसे हम क्रिकेटर हैं ना हम बैडमिंटन प्लेयर हैं हम साइंस के स्टूडेंट हैं हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं मेडिकल स्टूडेंट हैं आई एम ए बिजनेस मैन आई एम ए मेल आई एम ए फीमेल तो वी आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट होल्स इन विच वी बिलोंग बट कभी कभी क्या होता है कि दैट आइडेंटिटी क्राइसिस कम्स इन आवर लाइफ वॉट डू यू मीन बाई आइडेंटिटी क्राइसिस दैट आइडेंटिटी विच वी आर होल्डिंग कि दिस इज वॉट आई एम बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम फैक्टर और बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस वी मे हैव टू लूज दैट आइडेंटिटी ना वी मे हैज टू लूज दैट आइडेंटिटी एक्चुअली सो दैट टाइम वी शुड नो एंड दैट सिचुएशन इज वेरी डेंजरस एक्चुअली ना टू थिंक लाइक आई गिव यू सम एग्जाम्पल्स सो सपोज देर इज अ वेरी ग्रेट क्रिकेटर ओके वेरी ग्रेट क्रिकेटर एंड देन ही प्लेड वेल एंड ही हैज सो मेनी he made so many centuries and then he's very renowned famous and all of a sudden what happens is he gets some injury or he gets caught in some scam that you know some people say that he has gone for match fixing and all some unfortunate situation comes and then he's like perplexed what to do now because whole life he has invested his whole energy in that he belongs to this particular hole he is a cricketer and then all of a sudden is taken away from him due to supposed leg injury or na like or hand injury he is not able to play or as I told scam or that particular he is not needed more because there are so many players and his age has grown up so any situation all the examples which I gave from this if it happens to us or any player it's पैथेटिक इट्स वेरी डिस्टर्बिंग एक्चुअली डिसओरिएंटिंग कि अभी मैं क्या करूँ या फिर मान लो किसी ने बहुत अच्छा खेला है एंड होल लाइफ एंड ही इज विक्टोरियस एंड ही इज वेरी फेमस स्टिल ही हैज टू गेट इट रिटायर एंड रिटायरमेंट के बाद आपको ऐसा कुछ जॉब ढूंढना पड़ेगा जो बाई स्टैंडर्ड टाइप का हो या फिर जैसे क्रिकेट कॉमेंटेटर बन सकते हैं या कोच बन सकते हैं या फिर किसी को चांसेस इतना ज़्यादा नहीं है उसमें मिलने का देन वी हैव टू जस्ट रिमेंबर एंड रिमेंबरिंग दैट Remembering the fact that my best has like in a past, I lived my best life in my past. Now the future is just remembering those, and it's not going very, very pleasing to understand and live by this principle that my best is over. So the point I'm discussing is we have different identity as we think that we belong to this different holes, as I told. From community point of view, from sex point of view, from our profession point of view, we have a different identity. And sometimes the identity crisis happens because of the influence of time factor. वो हमको छोड़ना पड़ेगा या फिर इस बीच में ऐसा कुछ unfortunate incident, accident या health issue आ जाते हैं उसके कारण से हमें उस identity को छोड़ना पड़ता है. And that is very painful. So then that is why we should have one identity. Which is eternal, that is not changing on external reality, that is not based on just body or mind. So that real identity is that we are soul. And eventually if you go ahead in Bhagavad Gita, we'll learn that we are part and parcel of God. That soul is.
So we have an eternal relationship with Lord. So if we work on that relationship also, that if we invest in that identity also, then if and if we lose because of time factor or any unfortunate situation, that particular identity which we are holding, still we have an eternal identity to hold on. And then we can go in life ahead without much getting disturbed. So then it is required, the spirituality is required. Okay, and that's what Krishna is reminding Arjuna, that your eternal identity is not just this. It is there. It's not that you are not Kshatriya now. It's not that we are not students, we are not businessmen, we are not male, female. We are. But this is not all in all, that identity which Krishna is talking about. So when unfortunate situation comes and we suffer this identity crisis, we have an alternative, and that is eternal reality, that our identity as a soul is very important. Now we may say that, yeah, you are talking from this logic point of view and observation based on the reality, but still we are living in a scientific world and we need some proof. Okay, so before we go ahead to the scientific terms more, like how science has experienced this, we want to experience more from our own experience. That is, the scripture also tells about the characteristics of the soul. Uski kya na, uska apna nature kya, swabhav kya hai actually na. Jaise na, jo sugar hai, chini hai, uska swabhav hai ko meetha hai. Jo namak hai, uska swabhav alag hai. Mirch hai, uska swabhav alag hai. Wo change nahi ho sakta na, uska jo swabhav hai. What is tasteless? So that is its nature. But similarly, soul also has a nature. And what is that? Characteristic of soul is, it is Sat, Chit and Ananda. Sat means it is eternal. Chit means it is knowledge. It consists of knowledge. It has knowledge. And Ananda means it is bliss. So these are the features which constitute soul. Now how we perceive this? Do we perceive in our life? Also, so then it is eternal. So that eternal concept, eternal feature of the soul, the characteristic of soul, due to that, what we also feel, that everybody wants to live long, and then they live forever. This we understand also, that everybody died, we see also, but still there is inside some desire that no, like this should not happen. This should not happen actually. Now, whenever we lose some near and dear ones, we don't want to accept this, because you don't want this. The desire is there to live longer, and that is coming from this characteristic of that part of the soul which is eternal. And then we have knowledge. So basically, if you see our life and animal life, then there is some similarity called eating, sleeping, mating, defending. These are the four fundamental things which we also do and animals also do. But animals are satisfied with these four these activities. They're peaceful. They only work for eating, sleeping, mating and defending. Na khana milna chahiye aur humko na sona hai, and then we have to look for opposite sex, the partner, and then we have to defend ourselves from the enemies. So that's their job. But human beings, if you see, we want to know more than all these four. We want to know something which may not be needed for our survival. So we want to know something beyond our survival. So that is coming from this aspect of the soul, that it is knowledge. It wants, it is curious about knowing more things. And then it always seeks pleasure. Ananda. So it's a pleasure seeking soul. Actually, we see, even if you ask anyone that what is the goal of your life, ultimately the one word will come, that we want to be happy, and everybody looking for that only. And this pleasure seeking, from where we seek pleasure, that the desire is so much that if you see that most in India, if you see the profession which earns more, that paid more, is basically cricket and Bollywood. Why? Because they offer some entertainment. Means they give us some happiness. It is not long lasting, but still, because they give pleasure,
they promise pleasure, we seek for that. And then these people who are involved in that, they are paid much more than that. फुटबॉल में किसी का पैर टूट जाए तो वो पैर ठीक करने वाला जो डॉक्टर है वो कम पैसे कमाता है, बट वो ही पैर से फुटबॉल को मार के वो प्लेयर ज्यादा पैसा कमाता है कि नहीं. सो द पर्सन हु कैन क्योर आवर प्रॉब्लम इज पेड लेस, बट बिकॉज इट विद विद दैट प्ले वी आर ऑफरिंग सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट टू द पीपल एंड देन बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द हैप्पीनेस इट्स पेड मोर बिकॉज इट इज मच डिजायर्ड. At the end of the day, people wants to enjoy. So that desire to live long and being curious about many things of the world, much beyond our needs also. Na, hum art hai, art and craft hai, literature hai, history hai. So many things are there which may not be required for our survival, but still we want to know. There are so many fields like this, and then we want pleasure. So this is. We experience, we want that actually. Even we are like sick. If we think that we are just bodies, तो जब हम शरीर से लेटे हुए हैं, हम बीमार हैं, और उस समय भी हमारी इच्छा नहीं जाती है वो कि हमें खेलना है, हमें कुछ जाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है. मान लो किसी को somebody is blind, so that part of the body is not present suppose, but the desire to see is there. ना हमको डॉक्टर ने कभी कुछ मना कर दिया है कि आपको अभी ये पार्टिकुलर बीमारी है, आप अभी ये चीज मत खाइएगा. स्टिल द डिजायर इज देयर एक्चुअली ना. सो द वी वांट टू एंजॉय दैट इवन दो वी आर रिस्ट्रिक्टेड ना बॉडीली पॉइंट ऑफ व्यू. सो द बॉडीली रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, स्टिल द डिजायर्स आर नॉट देयर. सो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. इट्स नॉट दैट बॉडी का वो पार्ट अगर नहीं है, मान लो अगर हम केवल शरीर हैं, तो अगर किसी के शरीर में खास पार्ट नहीं है, मान लो आंखें नहीं है या फिर कान नहीं है, तो फिर वो देखने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए. सो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस दैट अपार्ट फ्रॉम आवर फिजिकल ग्रॉस बॉडी विच वी परसीव एंड वी थिंक दैट वी आर, देर इज सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच इज नॉन मेटेरियल, विच इज नॉट जस्ट मेटेरियल, एंड दैट हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस. सो वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस एक्चुअली कि नहीं. So this is one understanding. Then there are other reasonings and other regions. They go with the other factor which science has done a lot of research on this. And we will discuss some portion of this, and then I will give you some references from where you can know more if you have that, as we discussed, curiosity. Na? Hum janna chahte hai. Or then we will discuss some, like one thing is near death experience, NDE, we call it. Okay. So there is a famous operation which happened, that's called brain aneurysm. Okay, and then another name was Operation Stand Still. So what has happened that now, वो एक लेडी थी, उसका ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम था, उसको पूरा ब्रेन को ऑपरेट करना था, बट उस ऑपरेशन का एक ही कंडीशन था कि फुल बॉडी फुल्ली अनकॉन्शियस होना चाहिए, उसके उसका जो एक भी सिम्टम लाइफ का नहीं दिखना चाहिए, तब जाके ही हम वो ऑपरेशन कर सकते थे, बिकॉज पूरा ब्रेन खोलना था. और तो साइंटिस्ट ने वो पूरा ना, हम उसका वीडियो आपको शेयर कर सकते हैं. सो उसका पूरा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो पूरा शो कर रहा है दिस पर्सन इज डेड, बिकॉज देयर नो फीलिंग ना, इट्स नॉट कॉन्शियस. कॉन्शियसनेस का एक पार्ट भी नहीं होना चाहिए. वही इंश्योर कर सकता था कि वो एक्सपेरिमेंट और वो ऑपरेशन सही होगा, एंड ये हुआ भी. ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, बट आफ्टर दैट लेडी केम टू एग्जिस्टेंस, उन्होंने सब बताया मैं क्या देख रही थी, किस तरह से आप ना वो डॉक्टर से क्या बात कर रहे थे, कितने लोग थे, एंड देन सी एक्सप्लेन एवरीथिंग, एंड देन द डॉक्टर कुड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग कि ये हुआ कैसे. को जो व्यक्ति जब पूरी फुल्ली अनकॉन्शियस है, वो इस तरह की बात कैसे कर सकता है कि ना, मतलब वो हमने देखा है, हमने आपका बात सुना है, आप पहले ये किए, फिर ये किए, फिर इस तरह से आपने किया. मतलब हाउ कैन ए पर्सन बी कॉन्शियस व्हेन ही और सी इज नॉट कॉन्शियस अकॉर्डिंग टू दैट ना मेटेरियल फेनोमेन. अगर हम केवल शरीर, क्योंकि जो मेटेरियल, जो हमारा साइंस है, जो बायोलॉजी डील्स विथ दिस बॉडी, ग्रॉस बॉडी ओनली. सो ग्रॉस बॉडी का सारा सिम्टम डेड है, फिर भी वो उस व्यक्ति ने सब कुछ देखा है ना. तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिस्की ऑपरेशन दैट वाज.
successful, and that lady told this. So this is very important actually. Then we have so many people. This is related to out of body experience, which I told you, near death experience. Like person is very less chances there that person may die, like leave, and still he comes back, and then he says so similar. Na, out of body experience is similar only to near death experience. So out of body experience means the same that. There have been situations like this. I'll tell you, there is a whole book called Mindsight. So Mindsight book ना उसमें क्या दिया हुआ है कि ऐसे सारे लोग जो कि अपने operations या फिर medical जो उनका treatment हो रहा है उसके process को वो बताए हैं, उस process के आने के बाद, मतलब वो खत्म होने के बाद, मतलब जो वो होश में आते हैं, उसने बताया है कि क्या क्या हुआ. और वो सारे व्यक्ति जो है वो अंधे थे, मतलब फिजिकली दे आर ब्लाइंड, but they have seen all the experiments going on them, all the operations, and later after they came into consciousness, now operation khatam hone ke baad unhone bataya hai. Aur jinko aankhein nahi thi wo ek mindset mein unhone us aise aise sare logo ka case unhone dala hai. Matlab jiske paas physical eye nahi hai wo bhi dekh sakta hai. Iska matlab hai ki hamare paas ek eye hai jo ki just physical nahi hai, so non material aspect of our life and our existence is there. देन वी हैव री इनकारनेशन, पुनर्जन्म जिसको हम कहते हैं, कि पुराने जन्म की बात उनको याद रहती है, ठीक है ना. तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे एक ना हमारे सऊद बिन मोहम्मद अल थानी बोल के एक व्यक्ति हुए जो कि कतर में जन्म लिए थे, मुस्लिम धर्म में उनका जन्म हुआ था, ठीक है. और उन्होंने एक पेंटिंग देखी थी जो कि इंदौर के राजा यशवंत राव होलकर की थी, जो कि हिंदू राजा थे. 1961 में वो उनका डेथ हुआ था, ठीक है. तो 1961 में उस राजा का डेथ हुआ था, और एक कहीं पे ये जो हमारे सऊद बिन मोहम्मद अल थानी है वो कहीं पेंटिंग देख रहे थे, मतलब एग्जीबिशन देख रहे थे. उन्होंने इस राजा का फोटो देखा, और ये राजा का जो ललाट है, जो उनका मूछे है, जो उनका फिगर है ना, वो इनसे पूरा पूरा मैच करता था. और फिर उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च किया, एंड देन ही फाउंड आउट दैट हीज इंटरेस्ट, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ऑल आर सिमिलर टू दैट होलकर, यशवंत राव होलकर. फिर वो उसके बाद में और रिसर्च करने का ना सोचे. फिर होलकर जो जीते वो भी बहुत लेविस लाइक जीते थे, ठीक है. उन्होंने क्रिकेट टीम को 20 साल तक स्पॉन्सर किया था, और उनके पास बहुत महंगी गाड़ियाँ थी. उस तरह से ये जो हमारे ना मोहम्मद अल थानी है, ये भी इस तरह का लाइफ जीते थे. और देन ही गॉट कन्विंस्ड दैट एक्चुअली ही इज द इनकार्नेशन ऑफ, ही इज रीइनकार्नेटेड एज मोहम्मद अल थानी, विच वर अर्लियर दैट किंग एक्चुअली. और उन्होंने उस किंग के रिलेटेड जितने पेंटिंग्स थे, जितने उसके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हैं, वो सब खरीद लिया है उन्होंने. तो दिस वन एग्जाम्पल. नाउ आप कह सकते हैं ये तो हो सकता है उसको ऐसा लगा, कुछ चेहरा मिल जाता है. अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका चेहरा एक दूसरे से मिल जाता है ना, उनके क्लोन होते हैं. तो कह नहीं सकते कि वो व्यक्ति सेम है या फिर उनका रीइनकार्नेशन है. देन वी हैव मेनी एग्जांपल्स लाइक दिस. देन वी हैव एन एग्जांपल ऑफ शांति देवी, ठीक है, जो कि शांति देवी जो है वो उनका जन्म हुआ था दिल्ली में, ठीक है. तो इनके बारे में कुछ आपको पढ़ के बताता हूँ इस बुक से, जिसका रेफरेंस मैंने दे दिया है आपको मिल जाएगा. तो ये 11 दिसंबर 1926 को बाबू रंग बहादुर माथुर के घर में, जो कि चाय वाला मोहल्ला है दिल्ली में, वहां पे इनका जन्म हुआ था, और उनको नाम रखा गया शांति देवी. लेकिन वो अपने बच्चों और पति के बारे में बात करती रहते थे, और खुद को बोलती थी कि ना मैं चौबाइन हूं, मतलब चौबे की पत्नी हूं, ऐसा वो बताती थी. वो छोटी बच्ची है, सोचो जब बोलना सीखी है तब. उसके बाद अपने पति के बारे में बताती थी कि वो गोरे हैं, उनका ललाट बड़ा है, और उनके लेफ्ट चीक पे एक ना का निशान है, फिर ऐसे बताती थी. फिर लेकिन वो बताती सब कुछ, लेकिन पति का नाम नहीं लेती थी. सो जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये केवल पुराने जन्म की याद की बात नहीं है, वो उनका रिकलेक्शंस है, और वो रिकॉग्निशन है, मतलब वो रिकॉग्नाइज करते हैं उस तरह के लोगों को. और फिर बिहेवियर में भी वो देखा गया, अभी छोटी बच्ची है लेकिन बता रही है कि मेरे पति वहां है, मतलब उनका जो मथुरा में उनका एक ना दुकान है, और द्वारकाधीश मंदिर के सामने, और वहां पे उनके पति रहते हैं, पर वो पति का नाम नहीं ले रही है.
तो हम इसे समझ सकते हैं कि केवल वो व्यक्ति पुराने जन को याद नहीं कर रहा है, जबकि वो उसके बिहेवियर से भी शो कर रहा है। तो एक व्यक्ति जो थे बाबू बिशन चंद जो है, उनको प्रॉमिस किए कि मैं तुमको लेके चलूंगा जहां तुम बता रही हो, तुम्हारा घर है पहले वाला, तो तुम अपने पति का नाम बताओ तो हम लेके चलेंगे। तो उन्होंने कान में बताया कि मेरे पति का नाम पंडित केदारनाथ चौबे है। फिर उनको ले जाया गया 12 नवंबर 1935 को। फिर उसके बाद वो बताती है सब कुछ अपने पति के बारे में, सब कुछ बताती है। फिर वो उनको अपने अपने पति को उन्होंने पराठा पराठा खिलाया जो कि उनको बहुत पसंद था। फिर उसके बाद शांति देवी जो है वो अपने बच्चे को देखती है, उसका नाम नवीन होता है, और उसको बहुत अफेक्शन से गले लगाती है। अभी सोचो वो बच्चा उनका थोड़ा ना, वो उनसे बड़ा ही होगा उस समय तो। एंड देन उसको गले लगाती है, फिर उसके बाद उसको रोने लगती है देख करके। फिर उसके बाद उसको बच्चे को खेलने के लिए खिलौना देती है। फिर उसके बाद जो केदारनाथ जी जो थे उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, ठीक है, दूसरी शादी कर ली थी। तो उन्होंने शांति देवी ना दूसरी पत्नी को देखा, और फिर उसके बाद केदारनाथ से पूछा, आप तो बोले थे कि शादी नहीं करेंगे। अब सोचो आप सिचुएशन को समझिए, केदारनाथ चौबे जो हैं वो बड़े व्यक्ति हैं और उनका एक पत्नी मर चुकी है, ठीक है, दूसरी पत्नी उन्होंने शादी की है, और वो एक छोटी बच्ची आती है, इसका नाम शांति देवी दिल्ली से, और वो कह रही है कि तुमने शादी क्यों की, तुमने बोला था कि शादी नहीं करेंगे। उसके बाद ना फिर वो केदारनाथ जी तो उनसे मिलते हैं रात को। फिर उसके बाद उनको उस प्रेगनेंसी पीरियड के बारे में पूछते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि 4 अक्टूबर 1926 को, जो कि शांति देवी के जन्म से 1 साल 10 महीने और 7 दिन पहले ना, इस लुगदी बाई जो नाम था, केदारनाथ चौबे का के जो पहली पत्नी है उनका नाम था लुगदी बाई, उसका देहांत हुआ था, और वो पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन के कारण से मरी थी। तो फिर वो जो अभी शांति देवी जो है वो अपने केदारनाथ को बताती है पूरा कि क्या हुआ था उस सेक्सुअल इंटरकोर्स में, और फिर उसके बाद किस तरह का कॉम्प्लिकेशन आया था और कैसे वो मरी थी। मतलब जो चीज केवल केदारनाथ को पता था उसकी पत्नी लुगदी बाई को पता था वो अभी शांति देवी ने बताया। तो केदारनाथ को विश्वास हो गया कि ये मेरी पत्नी है जो कि अभी शांति देवी के रूप में आई है। सो भी उसके बाद ये स्टोरी इतना ज्यादा फैला कि उस समय गांधी जी जो थे वो इस पर एक्टिव हुए थे। फिर उन्होंने एक पूरा टीम भेजा था दिल्ली से इसको सर्च करने के लिए, रिसर्च कर, उसमें एनआर शर्मा थे कांग्रेस के लीडर थे, फिर डेली तेज के लीडिंग न्यूज़पेपर दिल्ली के लाला देशबंधु गुप्ता थे, टीसी माथुर थे, ऐसे लोग आए थे 24 नवंबर 1935 को, और फिर उसके बाद पूरा रिसर्च किया था उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद लाइक ऑल ऑफ थिंग्स आर देयर। देन एक बहुत बड़े रिसर्चर हैं इयान स्टीवेंसन, तो वो भी आए थे और उन्होंने भी शांति देवी का इंटरव्यू लिया था। उन्होंने शांति देवी ने ऐसे 24 तथ्य बताए थे जो कि पूरे सही पाए गए थे उनके केदारनाथ चौबे की पहली पत्नी के बारे में, उनके पूरे फैमिली के बारे में, जो भी शांति देवी ने बताया वो पूरा प्रूफ हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक स्वीडिश क्रिटिक था, वो अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट है, तो वो आया था, उसका नाम था स्टूर लोनर स्ट्रैंड। तो वो आया था क्रिटिक बन के कि अरे ये लोग ना कहानी बनाते रहते हैं इंडिया में ना, और इंडिया को, ये तो 1936 की आसपास की बात है ना, तो इंडिया अभी उस समय तक तो आज़ाद भी नहीं हुआ था, पीपल यूज टू थिंक अरे बहुत इनसिग्निफिकेंट एंड ऑल। सो वो इस मूड से आया था, बट वो सर्च किया और उसने पाया कि जस्ट लाइक अमेजिंगली ट्रू। तो उसने एक किताब लिखी थी बाद में, उसका किताब का नाम रखा था आई हैव लिव्ड बिफोर द ट्रू स्टोरी ऑफ री इंकारनेशन ऑफ शांति देवी। सो मैंने आपको एक थोड़ा डिटेल में बताया, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। इयान स्टीवेंसन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हजारों केस ऐसे देखे हैं और उसको लिखा है उन्होंने, तो उसका रिफरेंस मैं दे देता हूँ आपको, पीपीटी में मिल जाएगा। सो दिस इज सम एग्जाम्पल एक्चुअली ना विच वी हैव डिस्कस। ओके देन वी हैव सम मोर साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड थिंग दैट्स कॉल्ड, वन इज बेसिकली जेनोग्लॉसी। सो जेनो मीन्स फॉर एंड ग्लॉसी मीन्स लैंग्वेज एंड ऑल। सो बेसिकली इज एबिलिटी टू स्पीक और राइट इन ए लैंग्वेज दैट कुड नॉट हैव बीन रिक्वायर्ड बाई नॉर्मल और नेचुरल मीन्स। तो ऐसा हुआ है कि कुछ लोग पहले के लाइफ को रिमेम्बर करते हैं और ऐसा लैंग्वेज में वो बात करते हैं जो लैंग्वेज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो लैंग्वेज अब एग्जिस्ट नहीं करता है, और उसमें वो लिख रहे हैं। तो जो
रिसर्चर्स है जो पहले के लैंग्वेज को पढ़े हैं, जाने हैं, वो जान पाते हैं कि कुछ डिकोड कर पाते हैं। तो ऐसा भी हुआ है कि वो व्यक्ति पुराने लाइफ को याद कर रहा है और ऐसे लैंग्वेज में लिख रहा है जो कि लैंग्वेज अभी प्रेजेंट नहीं है बट उस समय था, जिस एरिया की वो बात कर रहे हैं कि वहां पे मेरा जन्म हुआ था और ऐसा मैं था उस एरिया में, कुछ समय पहले वो लैंग्वेज चलता था, उस लैंग्वेज में वो लिख रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड जेनोग्लॉसी। इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो और उसके बाद देर इज समथिंग कॉल्ड बर्थ मार्क्स एंड बर्थ डिफेक्ट्स। सो बर्थ मार्क्स मतलब उस व्यक्ति के शरीर में जो फिजिकल बॉडी है उसमें कुछ मार्क्स हैं जो उसके पुराने जो जिस वो जो वो कह रहा है, हम री इंकार्नेशन की भी चर्चा कर रहे हैं पुनर्जन्म में, जो पहले जन्म में उसके शरीर में जिस तरह के घाव थे, जिस तरह का निशान था, वो व्यक्ति जो नया है अभी जन्म लिया है जो बोल रहा है कि मैं पहले ऐसा था, उस व्यक्ति के शरीर में भी ऐसे ही निशान है। ऐसा भी एग्जाम्पल है कि वो व्यक्ति किसी को चाकू से गोद के मारा गया था, तो जहां जहां चाकू गोद के मारा था उस जगह पे जो निशान बने, वो व्यक्ति जो मर गया, जो नया बच्चा जन्म लिया है जो कि उसी का पुनर्जन्म है, उसके शरीर पे ऑलरेडी पहले से वो मार्क्स हैं। ठीक है, उस तरह से। एंड देन वी हैव फोबिया एंड फिलिया। फोबिया इज बेसिकली द फियर ऑफ समथिंग एंड फिलिया इज अट्रैक्शन टू समथिंग। तो जैसे हम आपको एक फनी एग्जांपल बताते हैं कि जो हिटलर था, हिटलर को बिल्ली से डर लगता था। अभी हिटलर को बिल्ली से डरना, आप समझ रहे हैं ना, जिसने लाखों लोगों को मरते देखा हो या मरवा दिया हो बिना कोई फीलिंग के, इसको डर नहीं है और उसको बिल्ली से डर लगता था। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको ना ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को सफोकेशन से डर लगता है, किसी को, तो अलग अलग फोबिया होता है। तो ऐसे हम सोच सकते हैं कि वो चीज़ उतना ज़्यादा उनको दिख जाए तो वो डर जाते। जैसे मैं बचपन में, मुझे याद है कि मैं जब ट्रेन से गुजरता था और नदी देखता था तो मैं देख ही नहीं पाता था, मतलब पूरा नदी एक साथ इतना ज़्यादा पानी, तो मैं ना वो खिड़की से नीचे बैठ जाता था कि मुझे नहीं देखना है ना, मतलब आई कैनॉट लिक ना कॉम्प्रीहेंड ना। जैसे जैसे बड़े हुए तो फिर वो फियर चला गया। मुझे याद है अच्छी तरह से कि मैं मतलब पूरा डर जाता था कि जब ट्रेन अगर ना नदी मतलब पुल से पार कर रही है तो मैं सीट के नीचे मतलब खिड़की से नीचे बैठ जाता था कि मुझे नहीं देखना है। एंड देन इवेंचुअली दैट फियर गोज अवे समटाइम्स, बट इट इज ऑल्सो वन थिंग जो हमको, और फीलियाज मतलब जो व्यक्ति पहले वो लाइक करता था वो नेक्स्ट जन्म में भी उस चीज को लाइक कर रहा है, तो दैट कैरीज ऑन। सो दीज आर सम रीजनिंग्स विच टेल्स दैट दैट एज द श्लोका इज स्पीकिंग दैट एज डेथ सोल चेंजेज द बॉडी, सो सेम सोल एग्जिस्ट इन टू बॉडीज ना, लाइक अर्लियर इन दिस लाइफ लुगदी बाई, नेक्स्ट लाइफ शांति देवी, इसलिए होलकर इधर मोहम्मद। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं तो आपको जस्ट ना कुछ एग्जाम्पल दिया। तो दोज आर इंटरेस्टेड दे कैन रीड दिस बुक कॉल्ड डी मिस्टिफाइंग री इंकारनेशन, इज रिटन बाई वेरी स्कॉलरली डिवोटी एंड ही हैज रिसर्च ऑल साइंटिफिक एंड ही हैज नोटेड डाउन वेरी नाइसली। सो इन द रेफरेंस आई एम गिविंग, सो दे आर द रेफरेंसेज आई यूज फॉर दिस इंफॉर्मेशन, सम इंफॉर्मेशन जस्ट आई गेव यू, दिस बिग टॉपिक एक्चुअली। करेक्ट, कमिंग बैक बाय शीला प्रभुपाद, कॉन्शसनेस द मिसिंग लिंक बाय प्रभुपाद, डी मिस्टिफाइंग री इंकारनेशन बाई चैतन्य चरण दास, री इंकारनेशन एंड बायोलॉजी बाई इयान स्टीवेंसन, 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ री इंकारनेशन बाई इयान स्टीवेंसन। इयान स्टीवेंसन हैज डन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रिसर्च एक्चुअली, दिस अमेजिंग। एंड देन आई हैव लिव्ड बिफोर, ये तो मैंने आपको बताया, द ट्रू स्टोरी ऑफ री इंकारनेशन ऑफ शांति देवी। सो दीज आर द रेफरेंसेज एंड प्रूफ्स एंड सो मेनी साइंटिफिक, यू कैन गो टू गूगल एंड जस्ट सर्च ओबी नहीं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एनडी, यू विल हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल। एक बच्चा जन्म लेता है और वो बचपन से ही वो उसको सब पता है कि एरोप्लेन कैसे उड़ाया जाता है ना, क्या होता है उसका पूरा डिटेल। अब छोटा बच्चा अभी स्कूल भी नहीं गया, उसको सब पता है कि एरोप्लेन कैसे उड़ाया जाता है। फिर वो जब पुराने अपने लाइफ को याद करता है तो वो एक्चुअली पायलट था और उस प्लेन क्रैश में मर गया था। तो वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। सो दीज आर द सम साइंटिफिक प्रूफ दैट वी आर नॉट दिस जस्ट दिस बॉडी, द सोल मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, द सेम सोल। ओके, सो दिस इज साइंटिफिक प्रूफ, सम प्रूफ। सो वी डिस्कस टिल नाउ दैट वी हैव डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज
And sometime identity crisis happens because of time factor or because of any unfortunate situation or two identity contradicts, then we need to look for that identity which does not depend on anything external. And that identity is that we are not just this body, we are a spirit soul, and that is not going to die as this body dies actually. No? So if we are a student, we are sometime male, we are businessmen, we are teachers, we are whoever they are, we have to live with that identity. But along with that, the real identity of ourselves, that is we are soul, we have to invest in that identity also. Okay, so that if this identity comes to an end, this identity will be permanently there with us. Okay, then we discuss that how we can say that we are soul. Does a scientific proof be there? Yes, it is there. We have near death experience, we have out of body experience, we have reincarnation, we have birthmarks, we have birth defect, we have phobias and philias, and so many things. They prove that we are different from this body. Okay, humko sapna aata hai na, that's also a proof that we are different from this body, because hum soye rehte hain. Agar hum isko जिसको हम देख पाते हैं, जिसको छू पाते हैं, जिसको महसूस कर पाते हैं, अगर हम केवल वही हैं, तो वो तो पूरा लेइंग डाउन है ना, सो रहे हैं ना, फिर हम कैसे एक्टिव है, विच पार्ट इज एक्टिव एक्चुअली. ओके, एंड देन वी आल्सो डिस्कस दैट हाउ सोल, नेचर ऑफ सोल अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर इज, इट इज सत चित आनंद. सो इट इज इटर्नल, फुल ऑफ ब्लिस एंड ऑलवेज सीकिंग प्लेजर्स. एंड हम देखा कि अपने जीवन में भी हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि हम और हमारे जो लोग सब हमेशा जीना चाहते हैं, वी डोंट वॉन्ट टू डाई. And we don't want to accept that, you know, we have to die, and then we look for knowledge, and then we always seek pleasure, and we don't get satisfied with small pleasure, we want enormous amount of pleasure. Okay, so much pleasure we want, because that's the nature of soul, that it has got so much pleasure actually. Okay, nahi jaise ek example deta hu ki kitne logo ko man karta hai ki humko gulab jamun khana chahiye. तो अगर हमको इच्छा हो रही है गुलाब जामुन खाने की, इसका मतलब हमने गुलाब जामुन खाया है, तभी वो इच्छा हो रही है. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सपोज ना कोई बच्चा है, अभी जस्ट जन्म लिया है और बोलना सीखा है, और उसको वो केवल माँ का दूध पी रहा था, और उसने ऐसा कुछ नहीं खाया, जैसे मान लो रसमलाई वो खाए नहीं आज तक, सुना भी नहीं है, उसको पूछ रसमलाई खाओगे, वो ये सोचेगा क्या बोलूँ, मतलब क्योंकि उसको पता नहीं. जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बकलावा खाना चाहेंगे, बकलावा आपको लगेगा कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, या फिर आपका मजाक उड़ा रहा हूँ, या फिर ऐसा कुछ, मतलब डोंट मेक सेंस. बकलावा बोल के एक सही में फूड है, जो कि ना ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में खाया जाता है. अब क्योंकि हमने वो खाया नहीं है, इसलिए हमारी इच्छा भी नहीं हो रही है, हमसे कोई पूछ रहा तो हम इनडिफरेंट है. लेकिन अगर हमने खाया है और तब कोई पूछे, तो हम जरूर उसको पसंद करते हैं, तो जरूर हम कहेंगे. इसका मतलब है कि अगर हम इस्टर्नली रहना चाहते हैं, और हम और कुछ जानना चाहते हैं, और हम हमेशा मतलब खुशी की और जो आनंद की तलाश में है, इसका मतलब हमको वो आनंद मिला है पहले, तभी हम अभी ढूंढ रहे हैं. समझ रहे हैं ना? सो दैट्स द पॉइंट एक्चुअली, दैट वी हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दिस, एंड दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग फॉर इट. है कि नहीं? अगर हमको कोई एक्सपीरियंस पहले नहीं मिला, ऐसे हमको पता नहीं है उसके बारे में, तो हम ढूंढेंगे नहीं एक्चुअली. सो दैट्स द थिंग. देन द पॉइंट, ठीक है, अभी तो आप बता रहे हैं कि हमको विश्वास करना चाहिए जो शास्त्र कह रहा है, मतलब जो भगवदगीता में कहा गया है कि वी आर सोल, एंड देन साइंस ऑल्सो से दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, एंड द सेम एज ना शास्त्र कह रहा है कि जो आत्मा है वो शरीर बदल लेती है. तो हमने देखा रीइंकार्नेशन में कैसे शरीर लुगदी बाई जो है शांति देवी बन जाती है. तो ठीक है अभी, लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे स्पिरिचुअलिटी, बट होगा क्या उससे, मतलब फायदा क्या होगा, हमको क्या फायदा होगा, ठीक है ना? तो एज ना भगवदगीता में 2.13 में भगवान बताए अभी कि वी आर नॉट जस्ट दिस फिजिकल बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल. नेक्स्ट श्लोका में भगवान बताते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्य तम तिथिक्ष भारत. तो वहां बता रहे हैं कि ना मात्र स्पर्श सुख कौन थे, शीतोष्ण सुख दुखदा,
तो जैसे जो सुख दुख जो है ना, हमारा आइडेंटिटी के अनुसार से कभी हम सोचते हैं कि हम क्रिकेटर हैं, मान लो तो अभी हमने सेंचुरी बना दिया तो हम खुश हो जाते हैं, कभी 0 पे आने दुख हो जाते, दुखी हो जाते हैं। तो ये जो हर व्यक्ति के जीवन में ये सुख और दुख आते रहता है, वो कैसे आते हैं? जैसे कि सीजन्स आते हैं, अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले ना ठंड थी, फिर बरसात आएगी, फिर से ठंड आएगी, फिर गर्मी आएगी। तो ये जो चलते रहता है ना, जिस शीत उष्ण जो है ना, शीत और उष्ण जो है आता जाता रहता है, उसी तरह से सुख अभी आते जाते रहते हैं। और जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो इससे डिस्टर्ब नहीं होता है। तो पहले हम इक्विपोइज हो जाएंगे, हम जानेंगे इस वर्ल्ड के नेचर को जानेंगे कि जो भी हम अपना आइडेंटिफिकेशन हम महसूस करते हैं कि ये हम हैं, उस आइडेंटिफिकेशन के कारण से हमें कुछ सुख आएगा दुख आएगा, बट हम उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे, बिकॉज हम जानेंगे कि केवल यही मैं नहीं हूं, और इटर्नली और बेसिकली इन रियलिटी आई एम नॉट दिस विच आई एम फीलिंग। देन वी कैन मिनिमाइज दैट पेन एंड वी नो दैट इट्स कीप ऑन, नथिंग इज परमानेंट, सो इट्स कीप्स ऑन कमिंग एंड गोइंग। सो दैट्स 2.14 कृष्णा से दैट वी बिकम इक्विपोइज्ड इन दैट, एंड देन 2.15 ही से दैट इवन वी बिकम इक्विपोइज्ड इन हैप्पीनेस ऑल्सो एंड डिस्ट्रेस ऑल्सो, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज फिट फॉर लिबरेशन, फिट फॉर ट्रांसेंडिंग दिस वर्ल्ड, फिट फॉर ना गोइंग अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ऑब्वियसली वाइल डूइंग ऑल दिस एक्टिविटीज। सो इंटरनली विल बी काम, इट ओरियंट्स आवर सेल्फ एंड गिव्स अस ओरियंटेशन दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग एक्सटर्नल। इट इफ यू थिंक वी आर द बायोलॉजिकल एंड फिजिकल बींग्स एंड मेटेरियल इंजॉयमेंट इज द गोल, एनीथिंग विच ऑब्स्ट्रक्ट्स इन दैट इज डिस्टर्बिंग एंड डिसओरियंटिंग। अगर हम केवल ये सोचेंगे कि ना वी आर दिस विच वी आई एम परसीव नाउ, अगर हम यही सोचेंगे तो फिर इससे रिलेटेड जो सुख या दुख होगा उससे बहुत ज्यादा हम अफेक्टेड हो जाएंगे, और अगर इसमें कोई भी हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा तो हम उसको उससे हमें दुश्मनी हो जाएगी, उसको हम पूरा डिस्टर्ब कर देगा। बट इफ यू नो दैट वी आर नॉट जस्ट दिस, दिस इज टेम्पररी एंड एक्सटर्नल, आवर रियल आइडेंटिटी समथिंग एल्स, देन वी कैन टॉलरेट दिस हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस बोथ। सो इंटरनली वी विल नॉट बी डिस्टर्ब, सो वी विल बी काम, एंड दैट्स रिक्वायर्ड ना। हम अभी रामायण से देख सकते हैं कि कैसे राम जी के जीवन में ना, एक रात पहले उनको कहा जाता है कि आप ना प्रिंस हैं, आपका राज्य अभिषेक किया जाएगा कल, आप उसकी तैयारी करें, और फिर वो उस तरह की तैयारी शुरू कर देते हैं। और कल सुबह जब आते हैं महाराज दशरथ से मिलने के लिए, तो वो कहते हैं कि वो तो नहीं कह पाते हैं, बट कह के कहती है कि इन्होंने वर दिया है मुझे तो कि आपको वन जाना होगा 14 साल के लिए। अभी आप सोचिए, एक दिन पहले आप ना राजा बनने वाले हो, और रात भर में सुबह में आपको पता चलता है कि आप पूरी तरह से रंक बन चुके हो, आपको जटाधारी बनना पड़ेगा, आपको पीर की छाल पहननी पड़ेगी, 14 साल तक आपको न वन मन घोर भटकना पड़ेगा। एंड ऐसा कहा जाता है कि राम जब राजा बनने की जो समाचार मिला था उस समय भी वो काम थे, एंड जब उनको वन जाने का मिला तो भी वो काम थे। वन थिंग इज दैट ही वॉज बाउंड टू डू वॉट एवर इज बेस्ट फॉर हिम, बट ही वॉज नॉट मच अफेक्टेड बाई ना हैप्पीनेस एंड द डिस्ट्रेस। आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड नॉट बी हैप्पी व्हेन वी हैव सम हैप्पी न्यूज, बट इट शुड नॉट ओवर पावर अस, इट शुड नॉट बिकॉज प्राउड और ना लाइक हम अंधे नहीं हो जाए, जैसे कि ना थोड़ा सा कुछ पावर मिल गया, थोड़ा सा कुछ ज्यादा हैप्पीनेस मिल गया, था यू शुड बी लाइक कूल काम एंड कलेक्टेड, सो दैट स्ट्रेंथ विल कम फ्रॉम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज। ओके, व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट, व्हेन वी थिंक वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स ऑन स्पिरिचुअल जर्नी बट स्पिरिचुअल बींग्स ऑन ह्यूमन जर्नी, सो वी आर एक्चुअली स्पिरिचुअल बींग्स नाउ वी आर देयर इन ह्यूमन, सो वील डू द नीडफुल बट वील नॉट बी ओवरवेलम्ड बाई दिस। ओके, एंड देन हाउ टू ट्रेन आवर सेल्फ इन दिस पार्टिकुलर स्पिरिचुअल कल्चर, दैट इज बाई ट्रेनिंग। वॉट हैपन्स ड्यू टू ट्रेनिंग, दैट आवर इंटेलिजेंस विल बिकम फास्टर देन माइंड, एंड देन बेसिकली दिस ज्ञान इज लाइक मैप एंड बुद्धि इज लाइक ड्राइविंग, सो वी हैव अ मैप टू गो, सो वंस वी रीड भगवद गीता वील गेट अ मैप that this is how, this is what life is, this is how the world is, and this is who we are, and then we get a map, then but we have to learn also how
हाउ टू ड्राइव ना, जस्ट गेटिंग अ मैप इज नॉट सफिशियंट. सो मेनी पीपल इन इंडिया हैव दिस नॉलेज दैट वी आर, आत्मा तो कभी नहीं मरती है, वो तो अमर है, और अभी तो वो चले कहाँ गए, भगवान के धाम गए हैं, फिर स्वर्ग चले गए, फिर दूसरा जन्म लेंगे. तो पीपल आर लाइक हैव सम बेसिक नॉलेज, बट दे डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज एंड हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट नॉलेज एक्चुअली ना. तो हैविंग ए मैप मीन्स हैविंग ज्ञान. ज्ञान होना मतलब मैप होना है, बट जो बुद्धि है वो बताती है कि हमें उस ज्ञान पे एक्ट कैसे करना है, उसका फायदा कैसे उठाना है, उससे बेनिफिट कैसे लेना है. तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा, इससे हमको विजडम आएगा. और वो व्यक्ति जो कि भगवद गीता को अपने जीवन में जी रहे हैं, जो उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके प्रिंसिपल्स को ना, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, उनसे भी हमको एसोसिएट करके और उनसे सीखना चाहिए. सो दैट लाइक लर्निंग हाउ टू नेविगेट थ्रू द लाइफ. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी हैव टू लर्न एंड देन वी हैव टू सीक शेल्टर, सीक एसोसिएशन. एसोसिएशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ डिजायर्स. सो वेन वी एसोसिएट विद पीपल, their desires comes in us. So that kind of association we should look for, which is elevating, which is spiritualizing our consciousness, which is on the right path. And then we will also experience inner peace and we'll understand life as it is and understand ourselves as it is. And then even we face identity crisis, we may deal with this in a proper way. Okay, so this is what we discuss here. We can discuss some questions also which can come in our mind. That is like, yeah, you are saying that we are soul, but how we can experience that we are soul actually? No? So this will happen gradually. Okay, this is, as I told, that practice. So analytically we understood, scientifically we understood, with our own experience we understood how we are, the Sat Chit Anand feature is prevalent and how we want to live for long. We have curiosity and then we have pleasure seeking nature. So we understood everything, but still it will take some time to realize it. Okay, so that as we, when our bodily experience doesn't match with the mental experience, then we'll experience like there is some pain now happening in our, but still we are, if we are absorbed in chanting or hearing some kirtan, some melodies, then that pain will be not prevalent. So we understand that our real identity is not just body, ki body mein pain tha, but kyunki main thoda spiritual I absorb myself in spiritual practices, that pain I did not feel, means my existence is different from this also. So similarly we'll get this. Okay, तभी आप कोई कह सकता है कि हम लोग अपना जीवन क्यों नहीं, मतलब पुराना जन्म क्यों याद नहीं रखते. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, करेक्ट. दैट ना, सब लोग क्यों नहीं याद रखते, या हम क्यों नहीं, हमको क्यों नहीं याद नहीं है. तो एक्चुअली इससे हम पहले तो ये जानना चाहिए कि भूलना हमारी फितरत है एक्चुअली. अब कलयुग में तो ये ज़्यादा ही है कि हम तो जो 10 साल पहले मान लो कुछ किए थे वही भूल जाते हैं. इसी जन्म की बहुत सारी बातें हम भूल जाते हैं ना. परसों दुख ब्रेकफास्ट में क्या खाया था हमें याद करना पड़ेगा. तो हमको ये समझना चाहिए कि मच ऑफ आवर मेमोरी इज बेसिकली सिचुएशनल एंड फॉरगेटिंग नेचुरल एंड इवन इसेंशियल. सो हम भूलना हमारी फितरत है, बहुत कुछ भूल जाते हैं एक्चुअली. और ये इसेंशियल भी है, ये बहुत ज़रूरी भी है कि हम भूल जाएं, और ख़ास करके उन एक्सपीरियंस को जो कि बहुत पेनफुल रहा है, या तो इस लाइफ का या भी पहले लाइफ का. मान लीजिए कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे सब कुछ अभी याद नहीं है, मतलब जरूरी भी नहीं है, मुझे वही चीज ध्यान में रहनी चाहिए मुझे अभी बोलना है ना इस टॉपिक का. अगर मुझे सब कुछ अभी याद है, एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर इन द माइंड, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फोकस एंड ना लाइक एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड डू दिस पर्टिकुलर ना जॉब विच आई एम डूइंग नाउ. इट्स वेरी डिफिकल्ट. और मान लो कि ना पुराने जन्म में किसी का मृत्यु हुआ है किसी ऐसे कारण से जो कि बहुत हृदय विदारक है ना, इट्स वेरी पेनफुल. जैसे मैं आपको बता रहा था बर्थ मार्क, किसी को चाकू से गोद के मारा गया है ना, और वो व्यक्ति और उस जन्म की सारी चीजें उसको याद रहे, तो इस जन्म में जीना क्या उसके लिए पॉसिबल होगा? दिस वर्ल्ड इज वेरी टफ प्लेस एक्चुअली. इस जन्म में इतना ज्यादा हमारा निगेटिव एक्सपीरियंस है, और पहले का सारा अगर हम ढोते रहे और सब हमको हमेशा याद रहे, सो वेरी डिफिकल्ट टू गो ऑन. सो दिस इज बेसिकली ब्लेसिंग बाय द नेचर दैट वी फॉरगेट.
so that we can start now from zero, from neutral, and then we can start our life. Okay, so this is very essential. Okay, and if we remember everything, it will be very difficult to live. So this is one aspect. Okay, तब भी आप कह सकते हैं फिर भी कुछ कुछ लोग याद क्यों रख लेते हैं, मतलब उनको कैसे याद रह जाता है ना, ऐसा हम सोच सकते हैं. तो वाई सम पीपल रिमेंबर, एक्चुअली क्या है कि इधर जो कॉन्सेप्ट ऑफ जेट लैग. जेट लैग क्या होता है कि जैसे आप ना, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारा टाइम जोन है. तो अभी मान लो अभी हम शाम को ये बात कर रहे हैं, तो अभी वर्ल्ड के किसी दूसरे पार्ट में लाइक यूएसए एंड अदर पार्ट, वहां पे अभी ना सुबह हो रहा होगा. तो वहां का टाइम जोन अलग है. मान लो वहां से हम जेट पकड़ते हैं, मतलब एरोप्लेन पकड़ते हैं और ना कैच करते हैं, और देन वी कम टू दिस इंडिया. तो वहां पे अगर हम अभी दिन में चले थे मान लो, तो यहां पे हम रात में पहुंचे हैं, बट हमारा जो बॉडी साइकिल होगा वो दिन जैसा प्रोसेस करेगा, ठीक है ना. दिस कॉल्ड जेट लैग, दैट वी आर देयर इन सम अदर टाइम जोन एंड देन वी कम टू सम अनदर टाइम जोन, बट स्टिल आवर बॉडी फंक्शंस लाइक द प्रीवियस टाइम जोन. इसको जेट लैग बोलते हैं ना. जो भी लोग लंबा ट्रेवल करते हैं उनको ये फेस करना पड़ता है. उनको एक दो दिन लगता है एडजस्ट करने में कि अभी ठीक है रात दिन ऐसा थोड़ा उनको दिक्कत होती है. तो उस तरह से ही क्या होता है कि जब कोई सोल अचानक से बॉडी चेंज करते हैं, कुछ उनके उनका जो ऐसा कुछ एब्रप्ट या एगोनाइजिंग पेन के साथ अगर डेथ हुआ है ना, जो कि सोल प्रोसेस ही नहीं कर पाया कि उसको बॉडी चेंज करना है, तो पहले वाला जो मेमोरी है, पहले वाला सारा चीज को कैरी फॉरवर्ड करके ले आ जाता है. बिकॉज उसको प्रोसेसिंग में थोड़ा समय लगता है, तो उनका डेथ जो कि बहुत शॉकिंग हुआ हो, बहुत सडन हुआ हो, बहुत एब्रप्टली हुआ हो, उस तरह का जो डेथ होता है उसमें ये चांसेज होते हैं कि वो व्यक्ति अपने पुराने जन्म को याद रख ले. बिकॉज वो सोल है ना अभी प्रोसेस नहीं कर पाया इन्फॉर्मेशन, वो उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पाया. कुछ अचानक से कुछ हुआ तो हम उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको उसका सेंस करने में वो ना टू मेक इट सेंस, इट रिक्वायर सम टाइम एक्चुअली. तो वो होने में हमको थोड़ा समय लगता है. तो धीरे धीरे फिर वो जो सोल भी जो याद रखते हैं ना, मतलब ऐसा मत सोचिए कि जो याद रखे है वो एक्चुअली वो दो लाइफ जी रहे हैं, नहीं वो एक ही लाइफ जीते हैं. जो नया जन्म हुआ है उनका सेकंड लाइफ जो है उसको ही वो जीते हैं. बहुत सारे ऐसा रिसर्चर है जो कि उन सब लोगों से मिले हैं बाद में, मतलब जब वो थोड़ा बड़े हो गए, मतलब 10 साल 15 साल 20 साल के बाद, हाँ उनको अभी भी याद है कि उनका पुराना जन्म था और वहां पे था और ऐसा था, बट दैट डोंट मेक मच डिफरेंस इन देयर लाइफ, दे लिव द न्यू लाइफ ओनली. सो तो इसीलिए है कि ये प्रोसेस हो गया एंड दे एक्सेप्टेड द न्यू नॉर्मल विच वी कॉल एंड देन दे लिव लाइक दिस. अभी आप कह सकते हैं कि तो कम केस क्यों आते हैं. एक्चुअली क्या है, दिस इज नॉट द ओनली वर्ल्ड वेयर पीपल आर देयर. इट्स नॉट दैट ना यहाँ मरेंगे इस पृथ्वी पे तो हमको यहीं पे आना पड़ेगा और हमको ह्यूमन बर्थ ही मिलेगा, ऐसा जरूरत नहीं है. सो देयर आर सो मच कॉम्प्लेक्सिटी. जैसे शांति देवी के केस में वो एक कुछ समय बाद ही आ गई थी वो, और जो अपने होलकर जी के केस में जो मोहम्मद साहब जो आए थे वो 5 साल बाद आए थे. तो डिपेंड करता है ना, ऐसे सब व्यक्ति का अलग अलग टाइम है. ऐसा नहीं कि कोई एक यहाँ पे मरा और उसी क्षण कहीं और जन्म ले लिया. इन बिटवीन देयर इज सम प्रोसेसिंग. सो एज वी गो अहेड विल डिस्कस ऑल दिस एस्पेक्ट ऑल्सो in our future sessions, now how this transition takes place and all that. But here our prime focus was that how, what is the first fundamental teaching of Bhagavad Gita, that is we are not just this physical body, we are spirit souls. And then we discussed that how this identity will help us to deal with the changing nature of this world when we have identity crises. And then we discuss the whole. Okay. So I thank you very much for joining today, and it is amazing to see all of you, very sincere and serious candidate. Please keep coming. Okay, we'll stop here. Thank you very much. Srimad Bhagavad Gita ki jai.